राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावनवास। राधा तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, तीनों लोक के नाथ है, सोते रो आदि। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, यशोदानंदन रज जन रंजन, यशोदानंदन रज जन रंजन, यशोदानंद ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुनती रमन चाहती, यमुना तीरा वन जानी, यमुना तीरा वन जानी,
जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, भज गोविंद भज मुरली मनोहर नंदनाला, भज मुरली मनोहर नंदनाला, भज मुरली मनोहर नंदनाला, भज मुरली मनोहर नंदनाला, भज गोविंद भज मुरली मनोहर नंदनाला, भज मुरली मनोहर नंदनाला, भज मुरली मनोहर नंदनाला, भज गोविंद गोपाल।
नाम महाधन है अपनों, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनों, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटारी यटा जग की, हम तो दुनिया ब्रज माही बनानी। हम तो दुनिया ब्रज माही बनानी, टोक मिले रसिको की सदा, और पीवन को यमुना जल पानी। टोक मिले रसिको की सदा, और पीवन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी पुरानी शिराज करानी, अपनी पुरानी शिराज करानी, अपनी पुरानी शिराज करानी। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे, राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी, राधा गिरिधारी राधे, जगन्नाथ जगन्नाथ बलभद्रा जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलभद्रा जय सुभद्रा, जय गोरनता गोरनता जय गोरनता, गोरनता जय गोरनता, गोरनता जय गोरनता, प्रभु पद प्रभु पद प्रभु पद शिल प्रभु पद जय प्रभु पद प्रभु पद प्रभु पद शिल प्रभु पद प्रभु जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, धर्म हरि नाम संकीर्तन की जय, श्रील गौपाद की जय।
हिताय गौर प्रेमानंदे हरे सामगा ध्याना वस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। वंशी विभो शितकरा नवनीरदाभा पीतांबर दरुण बिम बफल धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्व अहम् न जाने कृष्ण त्वदीय पद कज पंजरान्ते अध्येव मे विशतु मा नसराज हंस प्राण प्रयाण समये कफवात पीते कंठावरोधन विदो स्मरण कुतस्ते योऽन्तः प्रविश्य मम वा च मीमां प्रसूप्ता सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादी प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम् करारविन्दे नपदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्र स्यपुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिहवे पिबत्स्वा मृत मे तदेव गोविंद दामो धर्मा भवेति। ओम नमो
वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमद्भागवतम स्कंद 8 अध्याय 8 श्लोक क्रमांक 20। जब देवी लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से प्रकट हुई, उस समय उनके सामने अनेकों असुर एवं अनेकों देवता खड़े हैं। देवी लक्ष्मी जी के हाथ में वरमाला है और हाथ में वरमाला लेकर अब ढूंढ रही हैं कि मैं किसके गले में यह वरमाला डालूं। तो हाथ में वरमाला लेकर जब लक्ष्मी जी अपने आश्रय को, अपने वर को खोज रही हैं, तब लक्ष्मी जी के मुखारविंद से 3 श्लोक का उच्चारण हुआ है। अपने वर को खोजते हुए देवी लक्ष्मी अपने मुख से उद्गार गा रही हैं। आइए देवी लक्ष्मी जी के इन दिव्य उद्गार का हम पाठ करें। नूनं तपोयस्य नमन्युनिर्जयो नूनं तपोयस्य नमन्युनिर्जयो ज्ञानं क्वचित् चन संगवर्जितम् ज्ञानं कश्चित्तश्चन संगवर्जितम् कश्चिन् महान्तस्य न कामनिर्जय कश्चिन् महास्तस्य न कामनिर्जय स ईश्वरः किम् परतो व्यपाश्रय ईश्वरः किं परतो व्यपाश्रय नूनं तपोयस्य नमन्युनिर्जयो नूनं तपोयस्य नमन्युनिर्जयो ज्ञानं क्वचित् चन संगवर्जितम् ज्ञानं क्वचित्तश्चन संगवर्जितम् कश्चिन् महान्तस्य न कामनिर्जय कश्चिन् महास्तस्य न कामनिर्जय स ईश्वरः किम् परतो व्यपाश्रय स ईश्वरः किं परतो व्यपाश्रय धर्म क्वचित् त्रनभूत सोहृदम् धर्म क्वचित् त्रनभूत सोयदम् त्यागः क्वचित् त्रनमोक्तिकारणम् त्यागः क्वचित् त्रनमोक्तिकारणम् वीर्यान् पुंसोस्तयजगनिष्कृतम् वीर्यान् पुंसोस्तयजगनिष्कृतम् वीर्यं न पुंसो त्यज वेग निष्कृतम् वीर्यान् पुंसोस्त्यज वेग निष्कृतम् नहि द्वितीयो गुणसंगवर्जित नहि द्वितीयो गुणसंगवर्जिता
क्वचित् चिरायो नहि शील मंगलम क्वचित् चिरायो नहि शील मंगलम क्वचित् तदप्य स्तिन वेदमायुष क्वचित् तदप्यास्ति न वेद्यमायुष यत्रो वयं कुत्र च सोप्यमङ्गलम् यत्रो वयं कुत्र च सोप्यमङ्गलम् सुमङ्गलः कश्चन काङ्क्षते हि मां सुमङ्गलः कश्चन काङ्क्षते हि मां क्वचित् चिरायो नहि शीलमङ्गलम् क्वचित् चिरायो नहि शीलमङ्गलम् क्वचित् तदप्यास्ति न वेद्यमायुष क्वचित् तदप्यास्ति न वेद्यमानुष यत्रो वयं कुत्र च सोप्यमङ्गला यत्रो वयं कुत्र च सोप्यमङ्गला सुमङ्गलः क चन काङ्क्षते हि मां सुमङ्गलः कश्चन काङ्क्षते हि मां जय जय नवलकिशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ की ओर से प्रस्थापित 9 दिवसीय भागवत कथा के अष्टम दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य से विभूषित भगवान की वाङ्मयी मूर्ति ग्रंथराज श्रीमद् भागवत का श्रवण हम सब भक्त भगवान और भागवत के आश्रय में बैठकर इस महान लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। यह श्रीमद् भागवत भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न कराने वाला ग्रंथ है। यह भागवत समाज में शांति और देश में क्रांति लाने वाला ग्रंथ है। इसी भागवत का श्रवण करके भगवान ऋषभ देव के पुत्र इस संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड में विख्यात हुए। भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र थे। ब्रह्मावर्त नामक देश में उन्होंने अपने पुत्रों को श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया। नायम देहो देह भाजान रिलोके कष्टान कामान अरहते विट भुजामिये। भगवान ऋषभदेव अपने पुत्र को उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे मेरे पुत्रो, ये मनुष्य जीवन मात्र पशुओं की तरह भोग भोगने के लिए ही नहीं मिला है। यह मनुष्य जीवन दिव्य तपस्या करने के लिए प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी की बनाई हुई इस महीन सृष्टि में 84 लाख प्रकार के जीव भ्रमण कर रहे हैं।
श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एत ब्रह्मांड भरी अनंत जीव गण, 84 लक्षत जीव कर ये भ्रमण। 84 लाख प्रकार के जीव हैं और प्रत्येक प्रकार में करोड़ों करोड़ों जीव हैं। ये समस्त जीव संसार के भोगों को भोगत रहे हैं, परंतु 84 लाख के इन जन्मों में भोग भोगते हुए जब मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, तो भगवान ऋषभदेव का कथन है कि हे मेरे पुत्रों, ये मनुष्य जीवन अन्य पशुओं की तरह भोग भोगने के लिए नहीं है। ये मनुष्य जीवन दिव्य तपस्या करने के लिए प्राप्त हुआ है। हजारों हजारों जन्म से हम लोग भोग करते आए हैं, इसलिए आप देख सकते हो इस संसार में किसी को भोग किस तरह भोगा जाए ये सिखाने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए संसार में अनेकों प्रकार के कॉलेज हैं, स्कूल हैं, क्लासेस हैं, परंतु आपने कभी ऐसा सुना एक जगह पर ऐसे क्लासेस खुले हैं जहां पर सिगरेट पिलाना सिखाया जाता है? कभी नहीं। हमारे वहां एक ऐसी स्कूल खुली है जहां पर शराब पिलाना सिखाया जाता है? कभी नहीं। क्योंकि ये संसार के अन्य अन्य पापों में रचा पचा रहना, ये तो हम अनेकों जन्म से करते आए हैं, परंतु जब मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो इस जगत के तुच्छ भोगों को न भोगते हुए हमें त्याग सीखना चाहिए, तपस्या सीखनी चाहिए। भक्तों, तपस्या से हमारा जीवन, हमारा शरीर पवित्र होता है, तपस्या से हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है। और जब किसी की बुद्धि तपस्वी शालिनी बन जाती है, तब शास्त्र के इन सिद्धांतों को वह व्यक्ति तुरंत अपने जीवन में धारण कर लेता है। इतिहास खोलकर देख लीजिए भक्तों, हमारे इतिहास में जितने भी राजा महाराजा हुए, उन राजा महाराजाओं ने अपने प्रारंभ के जीवन में तपस्या अवश्य की है। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति, जो समस्त प्रजा के पति थे, प्रजापति अपने पुत्रों को जन्म देकर नारायण सरोवर के वहां तपस्या करने भेजे हैं। तपस्या करने से बुद्धि शुद्ध होती है, और जहां तपस्या और त्याग की भावना होती है वहां प्रेम होता है, और जहां भोग की भावना होती है वहां झगड़ा होता है, क्लेश होता है। आज प्रायः देखा जा रहा है इस शास्त्र के ज्ञान के अभाव में सबकी भोगमय बुद्धि बन गई है। मैं ज्यादा से ज्यादा संसार को भोग लूं, मैं ज्यादा से ज्यादा ले लूं, चुरा लूं, रख लूं, दूसरों के मस्तक पर पांव रखकर लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, भोग भावना। और इसी भोग भावना के फल स्वरूप इस संसार में ईर्ष्या है, द्वेष है, झगड़ा है, क्लेश है। परंतु जहां पर त्याग होता है वहां प्रेम होता है। रामायण में अयोध्या का राज्य, जब कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए मांग लिया, भरत जी कहते हैं कि ये राज्य मैं नहीं रखूंगा। देखिए त्याग की भावना, दशरथ जी ने अपने पुत्र को त्याग की भावना सिखाई थी, और उनके पुत्रों में कितना प्रेम था, प्रगाढ़ प्रेम। भगवान श्री रामचंद्र के कर्ण में जब ये बात गई कि कैकेयी चाहती है भरत राजा बने, तुरंत भगवान श्री रामचंद्र अयोध्या को छोड़कर 14 वर्ष के लिए वन में चले गए। दुखी होकर नहीं, आज तो किसी को घर से निकाल दे, राज्य से निकाल दे, तब तो वह व्यक्ति दुखी हो जाएगा। राम ने यही सोचा, मेरा भाई भरत राजा बने, इससे बड़ा सुख मेरे लिए क्या हो सकता है।
तुरंत उस अयोध्या के राज्य को छोड़कर निकल गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, प्रसन्नात मया गताभिषेकत, प्रसन्न चित से, प्रसन्न मुख से हंसते हुए भगवान ने अपने राज्य को तिलांजलि दे दी। और जब भरत जी को पता चला कि मेरी माँ ने अयोध्या का राज्य मेरे लिए मांगा है, तो भरत जी ने भी उस राज्य को छोड़ दिया। भरत जी ने कहा, मैं राज्य नहीं रखूंगा। राम ने कहा, मैं नहीं रखूंगा। अयोध्या के राज्य की गादी फुटबॉल की तरह भरत जी यहां से वहां, राम वहां से यहां। क्यों? क्योंकि पिता का संस्कार था, त्याग की भावना थी, दोनों भाई के बीच में यह प्रेम था। जहां प्रेम होता है वहां त्याग होता है, जहां त्याग होता है वहां प्रेम होता है। भगवान ऋषभदेव भागवत में अपने पुत्र को कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन भोग भोगने के लिए नहीं, क्योंकि चार पांव पर चलने वाले पशु भी भोगते हैं, परंतु ये मनुष्य जीवन दिव्य तपस्या करने के लिए मिला है, धर्म का पालन करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है। महाभारत में वेद व्यास जी कहते हैं, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभेर नराणाम। इस संसार में आहार निद्रा भय और मैथुन जो मनुष्य लोग करते हैं, यह तो पशु भी करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु धर्मो ही एको अधिको विशेष, धर्मेन विहीन पशुभेर समाना। परंतु मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वे धर्म का पालन करें। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, अपने समाज के प्रति कर्तव्य, देश के प्रति कर्तव्य, अपनी प्रजा के प्रति कर्तव्य, आत्मा के प्रति कर्तव्य और परमात्मा के प्रति कर्तव्य। मनुष्य बना ही इसलिए है कि वे कर्तव्य का पालन करें। भगवान ऋषभदेव ने बहुत सुंदर उपदेश देते हुए कहा, कर्तव्य का पालन करो। और आत्मा का सबसे बड़ा कर्तव्य है सर्वे पुंसा परो धर्म। आत्मा का कर्तव्य है परमात्मा की सेवा करना। भगवान ऋषभदेव कहते हैं कि जब तक इस परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न नहीं कर लोगे, एवं मन कर्म वशम प्रयुक्ते अविद्या आत्मनि उपदीय माने। इस संसार में सबके मन विचलित है और मन के द्वारा ही क्लेश ग्लानि होती है। परंतु जब तक प्रीति न यावत मई वासुदेवे न मुच्यते देह योगे न तावत। मई वासुदेवे यावत न प्रीति जायते, हे मेरे पुत्रो, मुझ वासुदेव में जब तक प्रेम उत्पन्न नहीं होता है, तब तक ये मन शुद्ध नहीं हो सकता है। भगवान ऋषभदेव ने बहुत सुंदर उपदेश दिया और इन भागवत के उपदेशों के माध्यम से भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र थे, उनमें से सबसे ज्येष्ठ पुत्र जिसका नाम था भरत, ये भरत इस भूमंडल के राजा हुए, इस पूरे समग्र विश्व ब्रह्मांड के राजा बन गए। और अपने पिता से भागवत का उपदेश ग्रहण करके राजर्षि भरत ने ऐसा राज्य किया, ऐसा राज्य किया, उनके राज्य की सारी प्रजा परम प्रसन्न रहती थी, परम सुखी रहती थी। अनेकों यज्ञ करते थे, अनेकों शुभ कार्य करते थे और प्रजा की सारी मांग को पूर्ण करते थे। जिस दिन राजर्षि भरत इस भूमंडल के राजा हुए, उस समय इस भूमंडल का नाम अजनाभ वर्ष था। इतिहास खोल कर देखिएगा, क्योंकि भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा के पुत्र हुए मनु, मनु के पुत्र प्रियव्रत, प्रियव्रत के आग्निग्रह
और अग्निग्रह के पुत्र हुए नाभि, नाभि की पत्नी मेरु देवी से जन्म हुआ भगवान ऋषभ देव का, और ऋषभ देव के पुत्र हुए भरत। अपने पिता के राज्य के नाम से इस संसार का नाम अजनाभ वर्ष था। परंतु भागवत के सिद्धांतों को पढ़कर भरत जी ने, राजर्षि भरत ने ऐसा राज्य किया कि अनेकों अनेकों युगों से इस पृथ्वी का नाम जो अजनाभ वर्ष था, इनके अच्छे राज्य करने के कारण पृथ्वी का नाम बदल गया और इनके नाम से भारत नाम बन गया। भरत का शासन इतना सुंदर था कि नाम ही हो गया भारत। यह है हमारे भारत वर्ष की गरिमा। पूरे जगत को भारत कहा जाता था, परंतु अब तो धीरे धीरे ब्रिटिशर्स आए और हमारा देश बटने लगा और आज एशिया में एक छोटा सा हिस्सा रह गया है। परंतु भक्तों, एक समय हमारे भारत की यह गरिमा थी। दिल्ली की गादी के ऊपर जो राजा बैठता था वो पूरे दुनिया में शासन करता था। हमारे देश के बड़े बड़े राजा महाराजा जो हुए, जिन्होंने अपनी प्रजा को सलामत रखा और भारत की संस्कृति को बचाए रखा। भक्तों, आज भी हमारा परम सौभाग्य है कि उस पूर्व राजा महाराजाओं के संस्कार आज भी हमारे देश के कुछ राजाओं में हैं, जो धर्म का पालन करते हैं, अपने निज कर्तव्य का पालन करते हैं। और हमारा परम सौभाग्य है कि हमारे इस बोरीवली क्षेत्र में, बोरीवली के राजा ही कहिए, पूज्य गोपाल शेट्टी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। वास्तव में इनका अद्भुत शासन है, हमने तो देखा है। बहुत वर्ष पहले वे अपनी ऑफिस में 8 बजे आ जाते थे, सब लोग अपनी चिंता और टेंशन को लेकर आते थे। उस समय सबकी चिंता को दूर करते थे और आज जब ये इतने बड़े पोस्ट पर आ गए, लेकिन फिर भी वे अपने कर्तव्य को नहीं चूक रहे हैं। और आज भी उन्हीं की कृपा से हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और उन्हीं के शासन में हम सब लोग भागवत और भगवान के आश्रय में भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो अपना कीमती समय निकाल कर वे आज इस भागवत सत्र में आए हैं। मैं निवेदन करता हूं गोपाल शेट्टी जी से मंच पर आए और इस भागवत श्रोता की जनता को अपनी दिव्य वाणी से संबोधित करें। आइए स्वागत करते हैं महामंत्र से। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम। पूज्य लाल गोविंद प्रभु जी, इस भागवत सप्ताह को पिछले अनेक वर्षों से आयोजन करने वाले हमारे प्रकाश भाई व्यास, सचिंद्र सेठी जी उनके मित्र पार्टनर, उपस्थित सभी भाई और बहनों, तो हमारी संस्कृति को बचाए रखा, बराबर है ना? तो संस्कृति को किसने बचा के रखा? संस्कृति को बचा के रखने में ऐसे प्रवचनकर्ता इन्होंने बचा के रखा, जिनको भगवान ने पैसा दिया इस प्रकार के कथा को बार बार आयोजन करना, प्रकाश भाई जैसे ने बचा के रखा। और इन दोनों के साथ में जो आप लोग कथा सुनने के लिए आते हो बार बार, आप सब ने बचा के रखा है ना, यानी ये ज्वाइंट वेंचर है हम सबका। हमारे पूर्वजों ने हमारे हाथ में ये सत्ता दी और हम सब भाग्यवान है, हम अपने संतानों के हाथ में ये सत्ता देकर जाएंगे। भारत देश की ये परंपरा है कि हजारों सालों से अपनी ये परंपरा, ये संस्कृति टिकी हुई है, आगे बढ़ रही है। मुगल आए, हमारे सत्ता को लूट लिया उन्होंने, संपत्ति को लूट लिया। अंग्रेज आए, उन्होंने लूट लिया। आज हमारे लोग लूट रहे हैं, फिर भी ये 125 करोड़ का देश चल रहा है ना, फिर भी ये 125 करोड़ का देश चल रहा है। उसके अनेक कारणों में एक कारण ये है, और हमेशा मैं कहता हूँ कि
कि ये संत पुरुष जो नहीं होते थे, इस प्रकार का कथा अगर नहीं करते थे, आज जरा कल्पना कीजिए कि भारत जैसे 125 करोड़ के देश में कितनी जगह पर इस प्रकार की कथा चलती होगी, है ना, कितनी जगह पर कथा चलती होगी। तो ऐसे हजारों लोगों को जोड़ के रखने का, पकड़ के रखने का, अपने संस्कृति के साथ में जोड़ने का काम लाल गोविंद प्रभु जी जैसे अनेक लोग करते हैं, अनेक लोग करते हैं। अगर ये इस प्रकार का प्रवचन नहीं करते थे, कथा नहीं करते थे, तो केजरीवाल के सभा में कितनी बड़ी भीड़ हो जाती थी, है ना, क्या हाहाकार हो जाता था ना दुनिया में, देश में अपने। लेकिन एक तरफ वो है, एक तरफ ये है, हर व्यक्ति अपना अपना काम करता है ना, हर व्यक्ति अपना अपना काम करता है। मैं भी अपना काम करता हूँ। लाल गोविंद प्रभु जी ने कहा कि गोपाल जी काम करते हैं, मुझे भगवान ने जो काम दिया वो मैं करता हूँ, इनको जो काम दिया वो ये करते हैं, आपको जो काम दिया वो आप लोग करते हो, है ना। गए साल कथा सुना, लेकिन फिर ये साल आ गए, ऐसा किसी के मन में आता नहीं क्या जाने का, गए साल तो सुना था ना, नया क्या उसमें है। टीवी में देखने के लिए मिलता है, वर्तमान पत्र में पढ़ने के लिए मिलता है, पुस्तक खरीद के ले लो, घर में बैठकर पढ़ के सब बातें हम पता कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इतने दूर से हैरान परेशान होते हुए, एसी का ये हॉल है लेकिन संख्या इतनी ज़्यादा हो गई है, गर्मी होता है लेकिन सब बैठे हैं, है ना, क्योंकि ये गर्मी से जो हमको ऊर्जा मिलती है अपने संस्कृति को बचाए के रखने का, उसमें बहुत बड़ी ताकत है। तो मैं चाहूँगा कि ये परंपरा, ये सिलसिला हम सब लोगों ने मिलकर आगे बढ़ाना चाहिए, इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। जीवन में कभी कभी भगवान हमसे पूछेंगे ऊपर जाने के बाद में, भाई अपने संस्कृति को बचाने के लिए क्या किया आपने, है ना। मैं क्यों हर साल आता हूँ, क्योंकि भगवान मुझे पूछेंगे तो मुझे जवाब देना पड़ेगा। लाल गोविंद प्रभु जी कहेंगे मैं तो कथा करता था, है ना। प्रकाश भाई को भगवान पूछेंगे तुमने क्या किया संस्कृति को बचाने के लिए, तो वो कहेंगे कि भगवान आपने मुझे पैसा दिया, मैं पैसा खर्चा करता था, मैं कथा का आयोजन करता था। मुझे भगवान पूछेंगे आप क्या करते थे, तो मैं कहूँगा कि मैं हर साल जाता था भक्तों का दर्शन देने के लिए, है ना। आपको भगवान पूछेंगे आप लोग क्या करते थे, आप बोलेंगे कि भगवान जी ये गोपाल शेट्टी, ये प्रकाश भाई, ये लाल गोविंद जी, ये सब करते थे, कब करते थे, हम लोग जाते थे कथा सुनने के लिए, इसलिए तो करते थे, है ना। तो इसमें सबका योगदान है, सबका तो योगदान है, एक अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि ये परंपरा, ये सिलसिला हम सब लोगों ने आगे आने वाले दिनों में इससे भी अच्छे ढंग से कायम रखने की आवश्यकता है। ऐसा कायम रखने के लिए भगवान हमको अच्छी बुद्धि दे, बहुत शक्ति दे, ऐसा मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करूँगा। मैं भगवान से हमेशा कहता था कि भगवान ने धन उसको देना चाहिए, धन के साथ साथ में मन भी देना चाहिए, नहीं तो कुछ लोग दाता जो होते हैं पैसे वाले, इतना पैसा जमा करते हैं करते करते खर्चा कुछ करने का ही नहीं। लेकिन मैं हमेशा भगवान को कहता हूँ कि धन उसको दो, धन के साथ साथ में मन भी दो, खर्चा करे समाज के लिए, धर्म के लिए। मैं प्रकाश भाई को धन्यवाद देना चाहूँगा, उनके पार्टनर सचिंद्र सेठी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। देखिए परंपरा है ना, लाल गोविंद प्रभु जी, मैं इनके पिताजी को जानता था सचिंद्र सेठी के, वो भी गुरुद्वारा में बहुत धार्मिक। मैं जब छोटा था या तो पहली बार जब नगर सेवक बना तो मुझे वो सिखाते थे, समझाते थे, डांटते भी थे। ये प्रकाश भाई है, ये जो परंपरा इनके पूर्वजों से इनके पास आया, अब इनके जो बच्चे हैं ये करेंगे, क्योंकि उनके उनको पता है ना कि मेरे पिताजी ये करते थे तो मुझे भी करना है। तो ये सब इसी तरह से चलता है। मैं सवेरे सिर्फ 2 मिनट पूजा करता हूँ घर में, क्योंकि भगवान ने लगभग मुझे सब कुछ दे दिया, अभी भगवान के पास और क्या मांगू मैं। तो मैं 2 मिनट सिर्फ पूजा करता था। मैं मुंबई शहर का डेप्यूटी मेयर बना तो भी सवेरे उठकर नहाकर मेरे ऑफिस के बगल में जो मंदिर हमने बनाई है उसमें मैं टॉवल पहन कर ही जाता था डेप्यूटी मेयर बनने के बाद में भी, उसमें 2 मिनट का पूजा करके फिर बाद में दिन भर काम करता था। अब मैंने जाना बंद कर दिया है, और मैंने बंद इसलिए किया कि मेरा बच्चा मुझसे भी ज़्यादा धार्मिक हो गया अभी। तो मेरी जो कल्पना क्या थी कि जो मैं करता हूँ मेरे माता पिताओं ने किया वो मैंने किया, मैं जो करता हूँ मेरे बच्चे करते हैं तो बहुत हो गया ना, तब उसका देखकर उनके बच्चे करेंगे। तो ये परंपरा, ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहेगा। तो आप लोग भी जो यहाँ पर आए हैं, अब भले आपके साथ में बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे आए वो तो आए, लेकिन जो घर पर बैठे हैं उनको मालूम है ना मम्मी कहाँ गई है, तो कथा सुनने के लिए गई है। तो वो भी जब बड़े हो जाएंगे उनके पास भी सब समय होगा तो वो भी कथा सुनने के लिए आएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा काम हम सब लोग मिलकर करते हैं, हम आने वाले दिनों में भी एक करते रहेंगे। आज फिर एक बार प्रकाश भाई ने मुझे यहाँ पर बुलाया, इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। लाल गोविंद प्रभु जी को मैं वंदन करता हूँ। आप इस प्रकार का आशीर्वाद दीजिए सबको कि आने वाले दिनों में ये सब धर्म के साथ में जुड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री कृष्ण।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल शेट्टी जी का। एक बहुत सुंदर बात उन्होंने बताई कि यह कार्य ऐसा है कि कोई भी अकेले नहीं कर सकता है, और ये बात वास्तव में सत्य भी है कि यहाँ पे जो पिछले 10 सालों से ये कथा हो रही है, इसमें हमेशा प्रकाश भाई जैसे दानियों का हमें बहुत सुंदर सपोर्ट रहा है, और गोपाल जी और उनकी जो पूरी टीम है उनका हमें हमेशा मार्गदर्शन रहा है, उनका उत्साह रहा है, और लाल गोविंद प्रभु जो हम सभी को यहाँ पे मार्गदर्शन दे रहे हैं, ये जॉइंट एफर्ट है। और गोपाल शेट्टी जी से हमारी यही निवेदन है, प्रकाश भाई से यही निवेदन है कि आने वाले साल में जैसे जैसे कथा बढ़ते जा रही है, प्रकाश भाई हमेशा कहते हैं कि जब पहली बार चालू किया तब 70 लोग आते थे, है ना, और आज का दिन ऐसा हो गया कि 700 लोग से भी ज़्यादा, 700 भी कम पड़ जाते हैं, कम से कम 1000-1500 लोग भक्त प्रति दिवस यहाँ पे आके कथा का श्रवण कर रहे हैं। तो आने वाले दिवसों में यही विनंती है कि यह आयोजन इतना बड़ा हो जाए कि 7000 लोग भी आ जाए तो भी किसी को ना ना कहनी पड़े, है ना, सभी आए, सभी कथा का श्रवण करें। हमारे देश की जो संस्कृति है, हमारा जो मनुष्य धर्म है, उसको हम सभी समझ पाए और उस पे हमारे जीवन का आचरण करते हुए इस मनुष्य जीवन को सफल बना सकें। तो बहुत धन्यवाद गोपाल शेट्टी जी का, और गोपाल शेट्टी जी के साथ में प्रतिवर्ष जिस प्रकार से सभी भक्त आते हैं, डॉक्टर वाड़ीवाला जी भी हम सभी के बीच में हैं, मैं विनंती करता हूँ कि मंच पे आएं और प्रभु जी के हस्त कमलों से भगवान की छवि एवं पुष्पहार आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार करें। तो हर साल हम यहाँ आके लाल प्रभु गोविंद जी से ऊर्जा लेके जाते हैं और हमारे जो कार्य क्षेत्र में कार्य रहते हैं, इसलिए मैं उनको वंदन करता हूँ। साथ ही साथ गोपी भाई प्रकाश भाई की वजह से मुझे यहाँ आने का मौका मिलता है, उनका भी धन्यवाद करता हूँ। इस शब्दों से मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद जय। साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान हर्षिल भाई। हर्षिल भाई से भी मेरी विनती है कि वे कृपया मंच पे आए और प्रभु जी के हस्त कमलों से भगवान की छवि एवं पुष्पहार आशीर्वाद स्वरूप स्वीकार करें। हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब मैं विनंती करता हूँ श्रीमान शंकर भाई से। शंकर भाई से विनंती है कि वे कृपया मंच पे आएं। शंकर भाई भी हर साल यहाँ इस कथा में उपस्थित रहते हैं। आइए महामंत्र से स्वागत। हरे राम 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 हरे हरे। हमारा परम सौभाग्य है कि आज सभी यहाँ पे इस क्षेत्र में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, तो जिनकी कृपा से ये सब कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे सभी व्यक्ति आज यहाँ उपस्थित हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, प्रतिदिवस बताता हूँ कि यहाँ कथा जब विराम लेगी तो कथा विराम नहीं होगी, क्योंकि हमारे कथा कीर्तन का ये जो सत्संग का जो ये कार्यक्रम है, ये नित्य निरंतर इस बोरीवली क्षेत्र में चलता रहना चाहिए। और जिनकी कृपा से ये बोरीवली क्षेत्र में शीतला शंकर मंदिर में ये सत्संग अनेकों वर्षों से चलता आया है, ऐसे श्रीमान चिंतामणि माली जी भी हमारे बीच में हैं। तो मैं चिंतामणि माली जी से विनंती करता हूँ कि वे कृपया मंच पे आए और आइए हृदय से इनका स्वागत करें महामंत्र के द्वारा। हरे हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। मुझे लगता है आज ये भागवत सत्र नहीं, कुरुक्षेत्र की भूमि हो गई। पितामह भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य कृतवर्मा पूरा सब बाहर आ गए आज। तो हमारे मित्र चिंतामणि माली जी आए हैं, मैं निवेदन करता हूँ दो शब्द माइक में कहें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मेरे भाभी ये लोग पधारे थे और मैंने जगा दिया था ये लोगों को, मेरे पास हाय तो देता था ये लोगों को, और बहुत प्रमाण कम से आते थे लोग,
या तो देखा तो बहुत भरल है और बड़ा जगह लगेगा ये लोगों को। मैं प्रयत्न करूंगा इसके इनके बाद कि बड़ा जगह ये लोगों के लिए दूंगा मैं। प्रजानां पश्यवेशसं शिरोदमतनोद्भूतादुपस्थितम्। गत सत्र में आप सब ने श्रवण किया कि किस प्रकार समुद्र से विष निकला और विष से त्रस्त होकर समस्त देवता शिवजी के शरणों में गए। शिवजी से निवेदन किया, हृदय में करुणा होने के कारण पर जो आपत्ति आई है निश्चित रूप से मैं इसे दूर करूंगा। लेकिन उस समय शिवजी ये इतना बड़ा कार्य करने जाए उसके पहले अपनी पत्नी सती के साथ कुछ सलाह मशवरा कर रहे हैं। आचार्यों ने बहुत सुंदर सिद्धांत दिया, जब हमारे जीवन में हम कोई बड़ा निर्णय लेने जा रहे हो तो उस समय शिवजी की तरह एक आदर्श स्थापित करते हुए उस बड़ा निर्णय लेते समय अपनी पत्नी के साथ सलाह मशवरा करनी चाहिए। क्योंकि इस संसार में भगवान के बाद यदि किसी पुरुष का कोई वास्तविक मित्र है तो वो है उनकी पत्नी। शास्त्रों में कहा गया है, संसार के लोग प्रशंसा करेंगे, वाह वाह करेंगे, परंतु पत्नी हम जैसे हैं वही बोलेगी। अतः कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले शिवजी एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं अपनी पत्नी से। यह नहीं सोचना चाहिए स्त्री में क्या बुद्धि होती है, स्त्री तो जन्म से ही अज्ञानी होती है। जो भी है, लोग भले किसी भी प्रकार की बात करें, स्त्री में बुद्धि नहीं, अज्ञानी है, परंतु हमारी पत्नी हमारे विषय में जितना जानती है उतना दुनिया का और कोई नहीं जानता है। इसलिए कोई बड़ा कार्य करने से पहले अपनी पत्नी के साथ सलाह मशवरा करना, ये शिव जी अपने आचरण से सिखा रहे हैं। तो शिव जी अपनी पत्नी के पास गए और कहते हैं, अहो बत भवानी, हे भवानी, अहो बत, बड़े दुख की बात है कि प्रजानाम पश्य वैश्यसम, आज हमारे इस भूमंडल की प्रजा के ऊपर वैश्यसम बहुत बड़ा दुख आ पड़ा है। तब भवानी ने पूछा, सती ने पूछा, अच्छा संसार में क्या दुख आ गया है? तब शिव जी कहते हैं, शिरोद मथनोद भूतात काल कुटाद उपस्थितम। शिर सागर का मंथन करते समय उसे कालकुट नाम का विष उत्पन्न हुआ है, अतः बड़े दुख की बात। ऊपर भगवान अपना सारा प्रेम न्योछावर कर देते हैं, कृष्ण उस व्यक्ति को अपना मान लेते हैं। देखिए, हम भगवान से प्रेम करें ये कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु उससे भी बड़ी बात यह है कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। शिव जी बहुत सुंदर सिद्धांत दे रहे हैं, जो व्यक्ति दूसरों के ऊपर दया करता है, कृपा करता है, तो सर्वात्मना सभी के हृदय में रहने वाले परमात्मा भगवान कृष्ण उस व्यक्ति के प्रिय बन जाते हैं, कृष्ण उसे प्रेम करने लगते हैं। अतः दूसरों के ऊपर कृपा करनी चाहिए, दूसरों के ऊपर दया करनी चाहिए, दूसरों के दुख को दूर करना चाहिए। ये सुनकर कई लोगों के हृदय में प्रेरणा होती है, हम भी दूसरों के दुखों को दूर करेंगे। परंतु ये करने से पहले शास्त्र के सिद्धांतों को जान लेना चाहिए कि दूसरों के दुख को दूर करना चाहते हो तो सबसे पहले ये तो समझो दुख है क्या। क्योंकि हम स्वयं यदि दुखी हैं तो दूसरों का दुख को कैसे दूर कर सकते हैं।
एक व्यक्ति स्वयं बंधन में बंधा है तो दूसरों के बंधन को कैसे छोड़ सकता है। अतः सर्वप्रथम दूसरों के ऊपर कृपा करने के लिए या दूसरों के दुख को दूर करने के लिए दुख के तत्वों को समझिए। वास्तविक दुख इस जीव के लिए क्या है? इस जीव के लिए सबसे पहला दुख है भगवान की विमुखता। भगवान से विमुख हो जाना, कृष्णेर बहिर्मुख भोगवांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापट या धरे। भगवान से विमुख होने के कारण ही संसार का जीव अत्यंत दुखी है, ये प्रथम चीज। और दूसरा हमारे जीवन में दुख का कारण क्या है? तो कहते हैं ये जगत, ये संसार, ये संसार ही हमारे लिए दुख का कारण। अब हम लोग यदि चाहे किसी व्यक्ति के दुख को दूर करें और ऐसी वस्तु हम किसी को दे दे जो इस संसार की है और जो वस्तु इस संसार में ही उस व्यक्ति को लगाकर रखती है, तो हमारे द्वारा मेहनत और प्रयास करने पर भी उस दुखी व्यक्ति का दुख दूर नहीं होगा। अतः सर्वप्रथम दुख क्या है यह समझिए। भगवान को भूल जाना यह सबसे बड़ा दुख, और भगवान को भूलकर इस जगत में फंसना यह उससे भी बड़ा दुख। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन मामु पेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम। इदम जगतम, ये जगत जो तुम्हें दिखाई दे रहा है ये जगत दुखालय है, दुखों का सागर है, दुखों का आलय। इस जगत में सुख है नहीं। प्रायः सब लोग इस जगत में सुख खोज रहे हैं लेकिन सुख मिल नहीं रहा है। वास्तविक सुख भगवान के धाम में है। और पुरुषोत्तम योग भगवद गीता के 15वें अध्याय में लिखा है, ऊर्ध्व मूल अध शाखा। भगवान के धाम में परम सुख है, आनंद है, क्योंकि यह जगत भगवान के धाम का एक विकृत प्रतिबिंब है। अतः भगवान के धाम में जितना सुख है उतना ही दुख इस भौतिक जगत में, क्योंकि यह भौतिक जगत भगवान के धाम की परछाई है। लेकिन हम लोग इस परछाई को देखकर सोचते हैं कि इस जगत में से सुख मिल जाएगा, धन से सुख मिलेगा, पत्नी से, पुत्र से, गाड़ी से, बंगले से, ये सुख मिल जाएगा, परंतु इस जगत में सुख है ही नहीं। बड़े बड़े संत इस सिद्धांत को बताने के लिए कथा कहते हैं। बोले एक बार एक राजा के राज्य में उस राजा की रानी ने अपने गले में बहुत बड़ा सोने का हार पहन रखा था, और वह सोने का हार पहनकर अपने उस महल की बालकनी में खड़ी थी। उसी समय एक बाज आकाश के मार्ग से आया और उस रानी जू के हार को लेकर उड़ गया। राजा की वह रानी चिल्लाने लगी, मेरा हार चला गया, हार चला गया। राजा आए और रानी को कहा, क्यों चिंता कर रहे हो, तुम्हारे लिए मैं दूसरा हार बना दूंगा, हमारे वहां कोष खजाने की कोई कमी नहीं है। रानी ने कहा, नहीं मुझे वही हार चाहिए। राजा ने कहा, वैसा ही हार मैं तुम्हें बना दूंगा। अनेकों जवेरी को बुलाया गया, सोनार को बुलाया गया, लेकिन रानी ने कहा, ये कोई हार मुझे पसंद नहीं है, पतिदेव मेरा जो हार था वही हार यदि मुझे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अपनी पत्नी को सुखी करने के लिए राजा ने पूरी प्रजा को बुलाया, ऐलान किया कि मेरी प्रजा में से यदि कोई व्यक्ति मेरी पत्नी का हार मुझे लाकर दे तो मैं उस व्यक्ति को 1 करोड़ सोना मोहर दूंगा। 1 करोड़ सोना मोहर का अर्थ है कि इस राज्य का आधा राज्य में उस व्यक्ति को दे दूंगा, इस राज्य का आधा राजा में उसको बना दूंगा। अब तो उस राजा की जो प्रजा थी वो सारी प्रजा अपने अपने धंधे को छोड़कर उस रानी के हार को ढूंढने में लग गई। जंगल में खोजा, दुकानों में खोजा, अनेकों जगह पर खोजा, सब लोग उस हार को खोजे लेकिन हार मिला नहीं। एक दिन की बात, एक मुसाफिर
बहुत परिश्रम करके मेहनत करके उस राज्य में आया और उसने भी सुन रखा था रानी का हार मिल जाए तो 1 करोड़ सोना मोहर। तो बहुत थका हुआ पका हुआ आया था तो एक कीचड़ जैसा दलदल गटर जैसा था, कई दिनों से उस खड्डे में पानी भरा हुआ था। तो जैसे वहां पर उसके किनारे पर बैठा और उन्होंने आंख खोली तो देखा कि उस कीचड़ से भरे हुए जल में वह रानी का हार है। बस उस रानी का हार देखकर तुरंत सारी थकावट चली गई और दौड़कर जैसे उस नदी में कूदा, 3 घंटे तक खोजा लेकिन हार नहीं मिला। बोले मैंने तो इन्हीं आंखों से उस हार को, इतना मोटा तगड़ा हार था, खोजा। तो राहगीर जो बाजू से जो गुजर रहे थे उन्होंने पूछा कि ये कीचड़ में क्या कर रहे हो। बोले तुम्हें पता नहीं, वो जो 100 करोड़ सोना मोहर जो मिलने वाली है वो हार मैंने इस कीचड़ में देखा। इतना सुनकर जितने भी लोग थे सब लोग उस कीचड़ में गिरे और सब लोग हार को खोजने लगे और धीरे धीरे पूरे राज्य को पता चल गया कि वहां उस कीचड़ में हार है। पूरी राज्य की प्रजा उसमें खोजने लगी। अब ये बात फैलते फैलते राजा के पास गई। राजा के कान में बात गई कि मेरी पत्नी का हार उस कीचड़ में है। राजा ने सोचा यदि किसी और आदमी को मिल गया तो 1 करोड़ सोना मोहर देना होगा और आधा राजा बनाना पड़ेगा, उससे अच्छा है मैं ही जाकर खोज लूं तो किसी को कुछ देने की आवश्यकता नहीं। राजा गया, अपनी धोती कुर्ता निकालकर गंजी पहनकर वो भी कीचड़ में गिरा। उस राज्य की सारी प्रजा, राजा, सब लोग परेशान हैं और उस कीचड़ से हार खोज रहे हैं। उसी समय एक संत, एक साधु, एक महात्मा वहां पर आए और आकर देखा तो आज पूरी प्रजा कहां चली गई, देखा तो सब कीचड़ में फटक रहे हैं। तब सबसे पहले उस महात्मा ने राजा को कहा, राजन ये क्या कर रहे हो? बोले मेरी पत्नी का हार गिरा है, उसे ढूंढ रहा है। राजा ने कहा पूरा जीवन निकल जाएगा, 1 नहीं 10 जन्म बीत जाएगा फिर भी वह हार इस कीचड़ में नहीं मिलेगा, क्यों? महात्मा ने कहा तुम बाहर तो आओ तब दिखाओ ना। राजा को उस महात्मा ने बाहर निकाला और महात्मा ने उस राजा को कहा, राजन तुम जिस कीचड़ में हार ढूंढ रहे हो वो हार कीचड़ में नहीं, उसी कीचड़ के बाजू में एक वृक्ष था और वृक्ष की डाली के ऊपर उस बाज ने उस हार को रख दिया था और डाली के ऊपर जो हार था उसका प्रतिबिंब, उसका शेडो उस कीचड़ में आ रहा था। तो महात्मा ने दिखाया हार नीचे नहीं, हार ऊपर है। नीचे जाने से, कीचड़ में जाने से वह हार नहीं मिलेगा, वह हार यदि प्राप्त करना चाहते हैं तो ऊपर जाना पड़ेगा। कथा के माध्यम से समझ सकते हैं, हम लोग सोचते हैं कि वह हार वह सुख इस पृथ्वी में है, इस कीचड़ में है और हम सब लोग इस दुनिया के छोटे बड़े, चाहे प्रजा हो चाहे नेता हो या राजा हो, सब लोग इस कीचड़ में फंसे हैं, ढूंढ रहे उस हार को, खोज रहे उस सुख को। लेकिन शास्त्र के माध्यम से इस जगत के साधु संत महात्मा बताते हैं कि वह सुख, वह दिव्य नित्य सुख इस भौतिक जगत में नहीं, वह सुख तो भगवान के धाम में है। और भगवान के धाम के सुख का प्रतिबिंब यहां पर आपको दिख रहा है, भगवान के धाम के सुख की झलक दिख रही है, प्रतिबिंब दिख रहा है, वास्तविक सुख तो वहां पर है। इसलिए भक्तों ध्यान से सुनिए, हमारे जीवन में हमारे दुख का वास्तविक कारण ये जगत है, ये दुनिया है। जब तक इस दुनिया को छोड़कर, इस पृथ्वी को छोड़कर भगवान के धाम में नहीं जाएंगे तब तक वास्तविक सुख हमको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए यदि इच्छा रखनी है तो भगवान के धाम में जाने की। तो इस संसार में सबसे पहला दुख भगवान की विमुखता, भगवान को छोड़कर हम यहां पर आए हैं। दूसरा दुख, आए हैं तो इस भौतिक जगत में फंसे हैं, ये जगत दूसरा दुख। और तीसरा दुख, ये शरीर
सबसे बड़े दुख का कारण है। इस शरीर के द्वारा ही अनेकों दुख मिलते हैं। देहम निजम भारवत। अतः इस शरीर के लिए कुछ वस्तु देना और इसको सजाना ये कोई वास्तविक सुख का कारण नहीं है। तो भक्तों, इस शरीर को त्याग कर भगवान के धाम में जब तक व्यक्ति कोई नहीं जाता है तब तक व्यक्ति वास्तविक सुखी नहीं हो सकता है। वास्तविक सुखी नहीं हो सकता। अतः इस संसार में यदि किसी को सुखी करना चाहते हो तो उसे ऐसी वस्तु दो ताकि वह इस जगत में फंसकर न रहे और इस मृत्यु के बाद भगवान के धाम को प्राप्त करे ताकि उसे वास्तविक सुख मिल जाए। और वह वस्तु क्या है? वह वस्तु है भगवान की भक्ति। इस संसार में हम किसी को सुखी करना चाहते हैं, किसी को दान देना भी चाहते हैं, तो अन्य कुछ दान न देकर भगवान की भक्ति का दान करना चाहिए। भगवान की भक्ति का दान इस संसार में सबसे बड़ा दान है। यद्यपि लगता है कि भगवान की भक्ति देने से यह बड़ा दान कैसे होगा, यदि हमें ऐसा लग सकता है, परंतु भक्तों वास्तविकता तो यह है कि भले ये बात छोटी लग रही है लेकिन बहुत दिव्य बात है। प्रभुपाद जी एक दृष्टांत अक्सर सुनाया करते थे। एक बार मैंने सुनाया, मैं दोबारा आपको कह रहा हूं कि वो करोड़पति पिता का एक पुत्र मेले में घूम रहा था और वह खो गया, और जैसे ही पिता से दूर हुआ तो वह रोने लगा। उस बालक को भोजन दिया गया फिर भी रोता रहा, कपड़ा दिया गया फिर भी रोता गया, किसी ने उसे पैसा दिया फिर भी वह रोता रहा। एक व्यक्ति ने भोजन दिया रोता रहा, दूसरे ने कपड़ा दिया रोता रहा, तीसरे ने पैसा दिया फिर भी रोता रहा, चौथा व्यक्ति आया, उस चौथे ने उस बालक को कुछ नहीं दिया, लेकिन थोड़ी सी बुद्धि लगाई, ये बालक किसी बड़े आदमी का है। तुरंत चौथा व्यक्ति उस बालक को लेकर पुलिस स्टेशन में गया और कहा ये किसी का पुत्र खो गया है। पुलिस वालों ने तुरंत उस बालक के पिता को बुलाया, मर्सिडीज कार लेकर आए, बालक को कार में बिठाकर चले गए। पुत्र भी खुश, पिता भी खुश। भक्तों, चार लोगों ने उस बालक की सेवा की। आप अपनी बुद्धि लगाकर कहिए कि वह बालक जो रो रहा था उस बालक को किसी ने भोजन का दान किया, किसी ने कपड़े का दान किया, किसी ने पैसे का दान किया, और एक व्यक्ति ने उस बालक को अपने पिता के पास भेज दिया। ये चार में से सबसे बड़ा दान किसका रहा? भोजन वाले का, कपड़े वाले का कि पैसे वाले का? भले चौथे व्यक्ति ने कुछ नहीं दिया लेकिन चौथे व्यक्ति ने क्या किया, उस बालक के हाथ को पकड़कर उनके पिता को सौंप दिया। बस इस जगत में किसी व्यक्ति को कितना भी धन दे दो, कितना भी भोजन दे दो, कितना भी वस्त्र दे दो, हॉस्पिटल दे दो, लेकिन जब तक वह व्यक्ति भगवान को प्राप्त नहीं होता है तब तक वह सुखी नहीं हो सकता। इसलिए इस संसार में सबसे बड़ा दान यदि कोई है तो भूले भटके जीवों को भगवान के शरणों में लेकर जाना। और इसीलिए गोपियों ने कहा है, भगवान की सर्वोच्च भक्ता गोपियों ने गोपी गीत में लिख दिया, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मशाप हम। तव कथा गाइए प्रेम से, तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मशाप हम। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मशाप हम। श्रवण मंगलम श्रीमदात
स्वागतम भूरि गृणन्ति ते भूरिदार्जना श्रीमदागतम भूरि गृणन्ति ते भूरिदार्जना श्रवणमङ्गलम् श्रीमदागतम भूरि गृणन्ति ते भूरिदार्जना समस्त वेद पुराण और उपनिषद का सार है श्रीमद् भागवत। भागवत का सार है दशम स्कंद, दशम स्कंद का सार है रास पंचाध्यायी, रास पंचाध्यायी का सार है गोपी गीत, और भक्तों गोपी गीत का सार है यह दिव्य श्लोक जिसमें गोपियां कहती हैं, हे कृष्ण तव कथामृतम, आपकी कथा जो है इस संसार के दग्ध हैं, संसार के जले हुए जीवों को सुख देने वाली है। आपकी कथा एक ऐसी वस्तु है, ऐसा तत्व है जिसको सुनकर व्यक्ति इस भौतिक जगत को छोड़कर आपके धाम को प्राप्त हो सकता है। अतः हे कृष्ण भूवि गृणन्ति ते भूरि दार्जना, इस संसार में सबसे बड़ा दान यदि कोई है तो वो है आपकी कथा का दान करना। जो लोग दूसरों को भगवान की कथा सुनाते हैं, भगवान का नाम सुनाते हैं, भगवान की भक्ति का प्रचार करते हैं और इस भक्ति के माध्यम से दूसरे भूले भटके जीवों को भगवान के शरणों में लेकर जाते हैं, वे तो इस संसार में भगवान को प्रिय हो जाते हैं, भगवान उसे प्रेम करने लगते हैं। और भगवत गीता का अंत करते हुए भगवान ने अर्जुन से यही कहा कि हे अर्जुन ये गीता जो मैंने तुमको सुनाई, इस गीता और भागवत का ज्ञान यह इदम परमम गुह्यम मद भक्ति शोभिदास्यति, इस परम गुह्य गीता और भागवत का ज्ञान यदि कोई व्यक्ति इस संसार में प्रचार करता है, भक्तिम मई पराम कृत्वा, अर्जुन मेरी गीता और भागवत का प्रचार करना वो मेरी परम भक्ति है, मेरी परम आराधना है। भक्तों ये प्रचार करना कोई भक्ति से अलग वस्तु नहीं है, कृष्ण भक्ति का प्रचार ये एक बहुत बड़ी भक्ति है। भक्ति मई पराम कृत्वा, गीता और भागवत का प्रचार करने वाला व्यक्ति मेरी बहुत बड़ी भक्ति कर रहा है, इसमें कोई संशय नहीं। और जो व्यक्ति संसार में भागवत और गीता का दान करता है, चाहे कथा के माध्यम से या बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से या कीर्तन के माध्यम से या कथा में सहयोग करने से, एन केन प्रकार एन, इस गीता भागवत और भक्ति का जो प्रचार करता है, नच तस्मात मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम, इस भक्ति का प्रचार करने वाले व्यक्ति से मैं जितना प्रेम करता हूं, भूतकाल में न तो मैं किसी से उतना प्रेम करता था, न तो वर्तमान में किसी से करता हूं, न तो भविष्य में किसी से इतना प्रेम करूंगा जितना मेरी भक्ति का प्रचार करते हैं। क्योंकि मेरी भक्ति का प्रचार करने वाला भक्त वे अपना तो उद्धार करता है, साथ ही साथ पूरे जगत का उद्धार करता है। और भक्तों इसके सबसे बड़े आचार्य यदि कोई हैं तो इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल गोपाल, जिन्होंने इसी भक्ति का प्रचार किया और इस भक्ति का प्रचार करके, गीता और भागवत का प्रचार करके भगवान के प्रिय हो गए और उस अभय चरण का नाम हो गया प्रभुपाद, भगवान के चरण ही बन गए। 70 साल की आयु थी, बूढ़े हो चुके थे, जो निवृत्त होने की उम्र है उस उम्र में श्रील प्रभुपाद जी ने
इस गीता भागवत और रामायण को पूरे विश्व में विख्यात कर दिया। वे इस गीता और भागवत को लेकर अमेरिका गए और अमेरिका में जाकर उन्होंने इसका प्रचार किया। कई बार लोग कहते हैं कि ये इस्कॉन जो है विदेशी संस्था है, नहीं, इस्कॉन की स्थापना करने वाले प्रभुपाद भारत के हैं। ये इस्कॉन की जो नींव है गीता और भागवत, ये ग्रंथ भी भारत के हैं। इस्कॉन में जिसकी भक्ति की जाती है वे कृष्ण और राम भी भारत के हैं। ये संस्था, ये व्यक्ति सब भारत का। प्रश्न हो सकता है कि ये सब भारत का होकर भी प्रभुपाद जी ने इसकी स्थापना अमेरिका में क्यों की? प्रभुपाद जी दीर्घ दृष्टा थे, भविष्य दृष्टा थे। वे जानते थे कि संसार के लोग पाश्चात्य देश की संस्कृति को अपनाते हैं, भारत के लोग पाश्चात्य देश की संस्कृति का अंधा अनुकरण करते हैं। भारत के लोग प्राय इच्छा रखते हैं कि हम इंपोर्टेड वस्तु इस्तेमाल करें। पाश्चात्य देश में यदि कोई व्यक्ति जींस और टी शर्ट पहनता है तो तुरंत भारत में लोग उनका अनुकरण करते हैं। पाश्चात्य देश में यदि कोई अपने जींस को काट देता है तो यहां भी फटा हुआ जींस पहनते हैं। पाश्चात्य देश में शूट बूट टाई इत्यादि पहनते हैं। क्यों पहनते हैं? क्योंकि वहां पर बहुत ठंड है, 0 डिग्री से भी नीचे तापमान है, तो वो लोग पैंट पहनते हैं, गंजी पहनते हैं, उनके ऊपर शर्ट, उनके ऊपर ब्लेजर और फिर टाई, शॉक्स और बूट पहनते हैं ताकि ये ठंड जो है अंदर न चली जाए। लेकिन भारत के लोग इतना अंधानुकरण करते हैं, वो तो 0 डिग्री टेम्परेचर के तापमान को उस ठंड से बचने के लिए शूट बूट पहनते हैं और भारत वाला 45 डिग्री सेल्सियस तापमान में भी शूट बूट पहनकर घूमता है। ये अंधानुकरण नहीं तो क्या है? प्रभुपाद जी इस बात को जानते थे। प्रभुपाद जी ने सोचा कि इस कृष्ण भक्ति को मैं भारत की कह के प्रचार करूंगा तो लोग इसका स्वीकार नहीं करेंगे। लोग इंपोर्टेड का शौक रखते हैं, इंपोर्टेड चाहिए। तब प्रभुपाद जी ने इसी गीता भागवत कृष्ण और राम को अमेरिका लेकर गए और अमेरिका में जाकर इस्कॉन की स्थापना की और भगवान को इंडियन नहीं, भगवान को इंटरनेशनल बना दिया। पूरे संसार में इस भागवत और गीता को प्रस्थापित कर दिया और पूरे भूमंडल में कृष्ण भक्ति का प्रचार कर दिया। तो इस प्रकार से जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं वो भगवान को प्रिय हो जाते हैं। और शिव जी की पत्नी ने पूछा, ठीक है, भगवान को यदि कोई प्रिय हो गया उससे क्या मिलेगा? तब शिव जी आगे के श्लोक में कहते हैं कि देवी पुंसम कृपयतो भद्रे सर्वात्मा प्रियते हरि। यदि कोई भक्ति का प्रचार करता है तो उस प्रचारक से भगवान प्रिय हो जाते हैं, और प्रीते हरो, यदि भगवान प्रिय हो गए तो कहते हैं प्रिय हम सचराचर। यदि हम लोग कृष्ण के प्रिय हो गए तो दुनिया के सब लोगों के हम प्रिय बन जाएंगे। पूरी दुनिया उस कृष्ण भक्त के तख्त को चूमेगी, क्योंकि एक बार व्यक्ति कृष्ण को प्रिय हो गया तो पूरा जगत उस कृष्ण को प्रेम करने वाले भक्तों के चरणों में झुक जाता है। ये शिव जी कहते हैं और संसार में देखा गया। भागवत के 34 स्कंद में ध्रुव महाराज की कथा आप सुनते हैं। ध्रुव महाराज की सौतेली माँ ने अपने राज्य से अपने पिता के गोद में, जब ध्रुव महाराज 5 साल के बालक थे, पिता के गोद में बैठने का प्रयास किया, अपने सोतिया डाह से, ईर्ष्या से ध्रुव को उठाकर पृथ्वी पर पटक दिया। बालोसी बतनात्मानम, तुम बालक हो, तुम इस बात को नहीं जान सकते हो, लेकिन तुम राजा के गोद में नहीं बैठ पाओगे। यदि राजा के गोद में बैठना है तपसा राज्य पुरुषम, जंगल में जाओ तपस्या करो और मरो। ध्रुव महाराज तुरंत उसी समय जंगल में चले गए और वन में जाकर उन्होंने इतनी कड़ी तपस्या की, कहते हैं 6 महीने में ध्रुव महाराज ने भगवान को प्रकट कर दिया।
ध्रुव ने भगवान का दर्शन कर लिया और कहते हैं भगवान का दर्शन करके ध्रुव महाराज जब अपने राज्य की ओर लौटे, सौतेली माँ ने धक्का मार के निकाल दिया था, लेकिन जब अपनी राज्य की ओर लौटे तो वही सौतेली माँ ध्रुव का स्वागत करने के लिए कई दिनों से अपने गांव के द्वार पर बैठी थी कि कब मेरा बेटा ध्रुव आएगा और मैं उसे गोद में बिठाऊंगी और मैं उसे खिलाऊंगी, मैं उसे सिंहासन पर बिठाऊंगी। भगवान का दर्शन करने से, भगवान की भक्ति करने से ध्रुव अपनी सौतेली माँ का भी प्यारा हो गया, प्रिय हो गया। यह है भक्ति और प्रचार करने की शक्ति। व्यक्ति पूरे जगत का प्रिय हो जाता है। अतः हे देवी, तस्मात इदम गरम भुंजे प्रजानाम स्वरस्तु में। मैं भगवान को प्रिय होना चाहता हूं। इस संसार में आप कितना भी समाज सेवा करो, देश सेवा करो, यदि हमारे कार्य से हमारा समाज यदि प्रसन्न हो भी जाए तो क्या दे सकता है। एक तो हमारे कार्य से हम कितना भी करें, हमारा समाज हमसे प्रसन्न होने वाला है नहीं। समाज की बात छोड़ दीजिए, हमारा परिवार भी हमसे कभी प्रसन्न नहीं होगा। ये मैं नहीं कहता हूं, प्रहलाद महाराज भागवत में कहते हैं, कुटुंब पोषाय वियन निजायु। एक व्यक्ति अपने कुटुंब का भरण पोषण करने के लिए रात दिन मेहनत करेगा, लेकिन फिर भी वह कुटुंब कभी भी उससे प्रसन्न नहीं हो पाएगा। ये भौतिक संसार का नियम है। तो एक कुटुंब, समाज और देश हमसे प्रसन्न कभी हो नहीं सकता है, हम कितनी भी मेहनत करें। और यदि हमारी मेहनत से, हमारे कार्य से यदि हमने कुटुंब को, समाज को और देश को प्रसन्न कर भी लिया तो हमें क्या दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं। परंतु विचार कीजिए, यदि गुरु और भगवान को हमने प्रसन्न कर लिया तो हमारे जीवन में क्या बाकी रह जाता है। एक कृष्ण को यदि हमने प्रसन्न कर लिया, शिव जी कहते हैं कि कृष्ण को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति पूरी दुनिया के लिए प्रशंसनीय हो जाता है। यही बात सुध गोस्वामी भागवत में कहते हैं, परीक्षित धन्य हो। 88,000 ऋषि मुनियों को कहते हैं, ऋषि मुनि धन्य है आपकी मुझ पर कृपा। एक वक्ता अपने श्रोताओं को कहते हैं कि आपकी मुझ पर कृपा बहुत है, क्योंकि आपने मुझे व्यास मंच पर बिठाया। मैं तो एक शूद्र जाति में, एक निम्न कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति, सूत योनि में मेरा जन्म हुआ, लेकिन आपकी कृपा से जब मैंने आपको यह भागवत की कथा सुनाई तो तीनों लोकों में मैं विदित हो गया, तीनों लोकों में मेरी ख्याति हो गई। इस संसार में जो व्यक्ति कृष्ण की भक्ति करता है, कृष्ण की भक्ति का प्रचार करता है, उस व्यक्ति की ख्याति अमर हो जाती है। वो व्यक्ति कभी मरता नहीं है। उस व्यक्ति के देह रूपी दीवार गिर जाती है। चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद को पूछा, यश मध्य जीवेर कौन यश बड़। इस संसार में जितना भी यश है, उन यश में सबसे बड़ा यश क्या है। तब राय रामानंद उत्तर देते हुए कहते हैं, कृष्ण भक्त बलिया जार ख्याति है। इस संसार में कोई डॉक्टर बन जाए, वकील बन जाए, इंजीनियर बन जाए, तो ऐसे डॉक्टर वकील इंजीनियर की ख्याति कितने दिन तक रहती है। बेचारे का आधा जीवन तो डॉक्टरी की डिग्री प्राप्त करने में निकल जाता है। 50, 60 या 100 साल तक इन लोगों की ख्याति रहती है, मरने के बाद उनकी ख्याति भी नष्ट हो जाती है। लेकिन धन्य है भगवान के भक्त और धन्य है इस भक्ति का प्रचार करने वाले। उनके देह रूपी दीवार गिर गई, लेकिन उनकी ख्याति आज तक अमर है, आज तक अमर है। आप विचार कीजिए भक्तों, हमारे भारत में रहने वाली मीराबाई हैं, मीराबाई इस संसार से चली गई। वर्तमान में उनका देह, उनका शरीर नहीं है, लेकिन आज यदि पूछा जाए कि ये मारवाड़ किसका है, मारवाड़ में अनेक राणा आए और अनेक राणा राज करके चले गए, लेकिन आज की तारीख में यदि पूछा जाए मारवाड़ किसका, तो जन जन के मुख से एक स्वर से एक ही जवाब निकलेगा कि मीराबाई का मारवाड़। क्यों?
हृदय में कृष्ण की भक्ति, इसलिए उनकी ख्याति अमर हो गई। पोरबंदर में रहने वाले सुदामा के पास क्या था, परंतु आज भी यदि पूछा जाए कि अनेकों राजा और रजवाड़े चले गए, लेकिन फिर भी आज यदि पूछा जाए पोरबंदर किसका, तो एक ही उत्तर आएगा, सुदामा का पोरबंदर। और हमारे स्वराष्ट्र में जूनागढ़ में अनेक राजा आए, राज करके चले गए, लेकिन यदि प्रश्न किया जाए ये जूनागढ़ किसका है, तो एक ही उत्तर मिलेगा, नरसिंह मेहता का जूनागढ़। इसीलिए तो कहा गया ना कि संसार में ये भौतिक लोगों की ख्याति 2, 5, 10 दिन के लिए होती है, या 2, 5 या 100 साल के लिए होती है, लेकिन कृष्ण भक्ति की का प्रचार करने वाले की ख्याति युग युग तक अमर हो जाती है, उसका कभी नाश नहीं होता है। इसलिए शिव जी कहते हैं कि देवी, अब भगवान का प्रिय बनने के लिए ये जो संसार में इन लोगों के ऊपर दुख आया है, तो तुम्हें क्या लगता है मुझे इन लोगों का दुख दूर करना चाहिए? तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, देवी पार्वती ने जवाब दिया, एवं आमंत्र भगवान भवानी विश्व भावन तद विषम जगमु आरेभे प्रभाव ज्ञान व मोदत। अंतिम लाइन में अंतिम शब्द अनुमोदत। जब शिव जी ने कहा कि देवी मैं क्या करूं, इन लोगों के दुखों को दूर करूं, तुरंत देवी सती ने कहा, प्रभु ये पूछने की आवश्यकता है, दुनिया के सब लोग जब उस विष से ग्रस्त हैं, त्रस्त हैं और मारे जा रहे हैं, और आप में ये योग्यता है उनके दुख को दूर करो, तो प्रभु यदि आपको विष पीना भी पड़े तो आप पी लो, मेरी ओर से आपको छूट है। अनुमोदन कर दिया, इसलिए नहीं कि मेरा पति मरेगा और सारी संपत्ति मुझे मिलेगी। आज की पत्नी भी कहती है मर जाए तो अच्छा है, आज सुबह सुबह की बात कर रहा हूं, हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी तो मैं डिस्पेंसरी गया था, दवा खाने में गया था, तो 2 महिला बैठी थी और बात कर रही थी, मेरा पति तो शराब पी कर आता है घर पे, तो दूसरी मराठी भाषा में बोली मेरा भी बेवड़ा है, तो दोनों आपस में, मैं माला जप कर रहा था और वो दोनों आपस में बात कर रही थी, आधे घंटे तक उसका चर्चा चला। तो मराठी वाली गुजराती को बोली, बोले छोड़ देना तेरे नवरा को, तो दोनों आपस में ये चर्चा कर रहे थे, तो बोली मैं तो राह देख रही हूं कि कब ये बेवड़ा शराब पी पी कर मर जाए और कब ये संपत्ति मेरे हाथ में, क्लियर बात कर रहे थे। हमने आज तक सुना था कि शास्त्रों में ऐसी बात होती है, लेकिन आज सत्य मैंने मेरी कानों से सुना, मैं तो नहीं छोड़ूंगी, मैं तो उसके मरने की राह देख रही हूं, क्योंकि 2 दुकान है 2 फ्लैट है, ऐसी चर्चा कर रही थी, और जैसे ही मरेगा तो सब बेचकर गांव में चली जाऊंगी। खैर यहां पर ऐसा नहीं है, आचार्यों ने लिखा है कि देवी सती ने कहा कि यद्यपि आप चले जाओगे तो आपके विरह में जी नहीं पाऊंगी, परंतु प्रभु मेरे दुखी होने से यदि पूरे जगत का उद्धार हो सकता है तो कोई बात नहीं, जगत का उद्धार कीजिए, मैं दुख सह लूंगी, मैं आपका विरह सह लूंगी, आप जाइए। भक्तों इसे कहते हैं पत्नी जो अपने पति को धर्म में लगाए, इसे कहते हैं नारी। आज शिवजी जब धर्म करना चाहते हैं तो उनकी पत्नी कहती है आप धर्म में आगे बढ़िए। भगवान रामचंद्र जब केवट को मुद्रिका देना चाहते थे, क्योंकि केवट ने बहुत मेहनत की, परिश्रम किया, भगवान ने सोचा कि बिना कुछ दिए मैं परिश्रम कराऊं ये ठीक नहीं है, परंतु भगवान तपस्वियों के वेश में थे, केवट को क्या दे। भगवान के मन में जब विचार आया केवट को कुछ दूं, उसी समय देवी सीता ने अपने हाथ से एक मुद्री का अंगूठी निकालकर भगवान के हाथ में दे दी, आप केवट को प्रदान करो। इसे कहते हैं पत्नी का धर्म।
पति जब कुछ दान पुण्य और धर्म करना चाहता है तो पत्नी को चाहिए कि उस पति को आगे बढ़ाए। लेकिन धिक्कार है आज की उस नारी को, पति बेचारा कुछ धर्म करना चाहता है, भक्ति करना चाहता है, कुछ भक्ति का प्रचार करना चाहता है, लेकिन आज की नारी उसे रोकती है। वैसे तो देखा जाए तो जया पार्वती व्रत करती है, अनेकों प्रकार के व्रत रहती है, तपस्या करती है, भगवान से कहती है हे प्रभु अच्छा पति मिले, हे गिरिजा जी, हे पार्वती मुझे ऐसा पति दीजिए मैं सुखी हो जाऊं। तो उनके व्रत से प्रसन्न होकर देवी पार्वती उसे बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण का भक्त उसको वर प्रदान करती है। और जब इतना सुंदर भक्त मिलता है तो वही पत्नी उस भक्त को भक्ति नहीं करने देती है, धिक्कार है उस नारी को। आचार्यों ने बहुत कड़े शब्द में लिखा है ऐसी नारियों से तो वेश्या अच्छी है। हमारे इतिहास में ऐसी ऐसी वेश्याएं हो गई जिन्होंने पुरुषों को भगवान की भक्ति में लगाया। उनका ज्वलंत प्रमाण बिल्वा मंगल ठाकुर। बिल्वा मंगल ठाकुर वेश्यागामी थे, यद्यपि उनका विवाह हो चुका था लेकिन वेश्या का संग करते थे। प्रतिदिन वेश्या के पास जाते थे, उस वेश्या का नाम था चिंतामणि। बहुत दूर का नहीं, 700 साल पहले का यह इतिहास, 700 साल पहले की यह बात। प्रतिदिन वेश्या के पास जाते थे। एक दिन उनके पिता की मृत्यु हो गई और पिता की मृत्यु हो गई, पिता को शमशान में लेकर जाना था लेकिन वेश्या को मिलने का समय हो गया। पिता की लाश को छोड़कर बिल्वा मंगल ठाकुर चले गए वेश्या के पास। बहुत बड़ा अनर्थ किया, धर्म किया और उसके कारण इंद्र देवता नहीं रह पाए। आंधी तूफान ओले गिरने लगे, बहुत बारिश होने लगी, तूफान आ गया। उस वेश्या के पास जाने में एक नदी को पार करना होता था। तूफान के कारण कोई नाविक नौका लेकर वहां पर नहीं बैठा था। बिल्वा मंगल ने देखा कि एक वृक्ष बहते हुए आया है, वे उस वृक्ष के ऊपर बैठकर नदी को पार कर लिए। वेश्या के घर पर पहुंचे, तूफान के कारण खिड़की दरवाजे बंद करके रखे थे। बहुत खटखट आया परंतु वह दरवाजा नहीं खुला। तब बगल में एक वृक्ष था, बिल्वा मंगल ठाकुर उस वृक्ष के ऊपर चढ़ गए और वहां पर एक रस्सी थी, उस रस्सी के माध्यम से रस्सी को पकड़कर खिड़की के द्वारा उस वेश्या के घर पर चले गए। और इतने आंधी तूफान में अपने पिता को छोड़कर बिल्वा मंगल को जब वेश्या के पास आए हुए देखा, उस समय वेश्या के मुख से उद्गार निकल गया कि बिल्वा मंगल मुझे मिलने के लिए इतनी उत्कंठा है, मुझे मिलने के लिए हृदय में इतनी तड़प, इतनी लालसा, तुम्हें पता नहीं आज तुम्हारे पिता का अंतिम संस्कार, और जो पुत्र अपने हाथों से अपने पिता का संस्कार नहीं करता है वह पिता नरक में जाते हैं, फिर भी अपने पालन पोषण करने वाले पिता को छोड़कर आए। और बिल्वा मंगल तुम्हें यह भी पता नहीं रहा कि कोई नाविक नहीं था, तुम्हारे मन में यह संभ्रम था कि तुम वृक्ष के ऊपर बैठकर आए। बिल्वा वो वृक्ष नहीं, वो तुम मगरमच्छ के ऊपर बैठकर आए। तुम्हें यह भी ज्ञान नहीं रहा कि तुम मगरमच्छ के ऊपर बैठे थे। और यहां जब वृक्ष के द्वारा खिड़की से अंदर आना चाहते थे, तुमने वो रस्सी नहीं, तुमने वो सांप को पकड़ा था। मुझे मिलने के लिए न पिता दिखे, न मगर दिखा, न सांप दिखा, न अपनी पत्नी दिखी। बिल्वा मंगल इतनी उत्कंठा यदि कृष्ण को प्राप्त करने के लिए की होती तो आज कृष्ण तुम्हारे सामने खड़े होते। वेश्या का यह उद्गार बिल्वा मंगल के हृदय में लग गया और उसी समय संसार से वैराग्य लेकर वन में चले गए।